chapter that we are going to study here is electric flux. That is the last portion of first chapter. The key points of this class will be application of the Gauss law. Mainly यही topic है जो आज यहाँ पर हम consider करने वाले हैं कि what are the application of Gauss law. Previous video में मैं आपको Gauss law की statement, उसका proof, उसका Coulomb's law से relation explain कर चुकी हूँ. तो देखिए क्या थी Gauss law की statement. This is the electric flux over a closed surface. It is written as dot product of E ds, and this is equal to Q by epsilon naught. This was the statement of electric flux. इसको हम क्या कहते हैं? अगर आपको यहाँ से ds का वेक्टर हटाना है, तो you can write as n cap ds. जहाँ पर n cap क्या है? एक यूनिट वेक्टर that will always point in the direction of the area vector. Now we will discuss the application of Gauss law, and the first application is electric field intensity. This is the symbol for electric field intensity. Due to a line of charge, जो कि infinite long हो सकती है, हमने वो line of charge consider कर लेनी है. Suppose कर लेंगे कि कोई wire है, wire के ऊपर क्या करना है हमने charge को transfer करवा रखा है. देखिए positive charge यहाँ पर transfer करवा रखा है. Suppose कीजिए वायर के ऊपर. तो इस तरह से अगर आपको कोई सरफेस दी जाए तो आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके लिए वी शुड हैव अ क्लोज्ड सरफेस. तो यहाँ मैंने इसके ऊपर एक क्लोज सरफेस बना ली है. दिस इज ए क्लोज सिलेंड्रिकल सरफेस जिसने एनक्लोज कर रखा है लाइन ऑफ चार्ज को. तो स्टूडेंट मैंने बताया था कि तीन चीजें हमें देखनी होती है, डीएस, एन गैप और इलेक्ट्रिक फील्ड, कि ये किधर पॉइंट आउट कर रहे हैं, और उसके बेस पे हमारा जो एक्सप्रेशन है वो प्रूव हो जाता है. तो हमने कहा कि जो गॉसियन सरफेस है इसका जो लेंथ है, सपोज दिस लेंथ इज एन, आपने यहाँ पर कोई स्मॉल एलिमेंट्री एरिया ले लेना है. स्मॉल एलिमेंट्री एरिया एट पॉइंट पी एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम दिस सेक्शन, ठीक है. ये हमने स्मॉल एलिमेंट्री एरिया ले लिया, इसका नाम है डीएस. इसकी जो डायरेक्शन है ये इस तरह से क्रॉस सेक्शन है हमारा, ये हमारा नॉर्मल वेक्टर हो गया. अगर मैं यहाँ पर n कैप की डायरेक्शन देखूं तो जिधर इसकी डायरेक्शन है उधर ही क्या जाएगी, n कैप की डायरेक्शन. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज आउटवर्ड होगा, क्लियर है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो भी इधर, और जो n कैप होगा वो भी इधर. इन पॉइंट्स के ऊपर देखते हैं कि किस तरह ये पॉइंट आउट करेंगे. सपोज दिस इज द, ये हमारा क्रॉस सेक्शनल पॉइंट है, स्मॉल एलिमेंट्री एरिया, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर भी बाहर की तरफ होगी. लेकिन अब देखिए जो एरियल वेक्टर है वो ये बन चुका है, ये बन चुका है हमारा एरियल वेक्टर जो कि इस तरह से है. तो इसके ऊपर एन कैप क्या रहेगा, इस तरह से रहेगा. यही चीजें समझने वाली है कि अगर आप इस सरफेस की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल दोनों इधर, अगर आप इस सरफेस के ऊपर आ गए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरह पॉइंट आउट करेगा पॉजिटिव चार्ज की वजह से, और नॉर्मल वेक्टर इधर चला जाएगा. तो इन पॉइंट्स के ऊपर, एंड पॉइंट्स के ऊपर, एट एंड पॉइंट्स वी कैन से ई इज परपेंडिकुलर टू एन कैप, मींस थीटा कितना हो गया इनके बीच में 90 डिग्री, एंड कॉस 90 इज जीरो. तो यहाँ पर एंड पॉइंट्स कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे इसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए. तो बचा कौन सा हमारा, मिडल पार्ट, जिसके लिए हमें कंट्रीब्यूशन निकालनी है. मिडल पोर्शन के लिए, इस पोर्शन के लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स रहेगा, दैट वी कैन से दिस विल बी इक्वल टू E डॉट n कैप ds, और ये हमारा क्या रहता है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट. अब ये दोनों मिडल पोर्शन के लिए क्या हो चुके हैं, पैरेलल हैं दूसरे के, मींस थीटा है 0 डिग्री, cos 0 इज 1. सो जैसे ये पैरेलल हो जाते हैं आप E डॉट n कैप को क्या लिख सकते हैं, E लिख सकते हैं. ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था. तो टेकिंग ई आउटसाइड और डीएस यहाँ क्लोज सरफेस के अंदर रह जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. डीएस इज स्मॉल एलिमेंट्री एरिया, व्हाट विल बी द टोटल एरिया, दिस विल एक्सप्लेन द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर. क्योंकि सिलेंड्रिकल सरफेस है तो आपको कर्व सरफेस एरिया लेना है. कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एल, दिस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, एंड ई विल बी इक्वल टू Q upon 2 pi r l epsilon node. This is the electric field intensity due to the curved surface area. अब देखिए स्टूडेंट, जैसे ही आप इस टाइप का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, जैसे ही आपको लीनियर
लीनियर चार्ज के बारे में बता रखा है, तो यू शुड टेक हेयर लीनियर चार्ज डेंसिटी, जो कि मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन करवा चुकी हूँ पहले पोर्शन के अंदर. वी शुड टेक हेयर लीनियर चार्ज डेंसिटी दैट इज लैम्डा एंड लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल. तो यहाँ से आपको क्यू बाई एल क्या है, लैम्डा, तो आप क्यू बाई एल को हटाकर लैम्डा पुट कर सकते हैं. ई विल बी इक्वल टू लैम्डा हो जाएगा 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट. तो आप यहां से देख सकते हैं कि जो ई है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ये एक्सप्रेशन हमारा यहां से मिल रहा है. और अगर आप इसी चीज को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, तो मैंने आपको बहुत बार एक्सप्लेन किया है कि वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो रहेगी 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे आपको आर कैप लगा देना है. दिस विल बी द वेक्टर फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. और ये एक्सप्रेशन आपको क्या बता रहा है कि जैसे जैसे आप सरफेस से दूर जा रहे हैं, मींस आर को इंक्रीज कर रहे हैं, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होता जा रहा है. सो इफ वी ड्रॉ ए ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड दिस वेक्टर आर, तो हमें ग्राफ कुछ इस टाइप से मिलने वाला है. क्लियर स्टूडेंट? क्योंकि एक के साथ इंक्रीज होने से दूसरा फैक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, कि ये पॉइंट्स एंड पॉइंट्स कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे, सिर्फ मिडल पोर्शन कंट्रीब्यूशन देगा, विच इज द कर्व सेक्शनल एरिया. और कर्व सेक्शनल एरिया होता है 2 पाई आर एल, जिसकी वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर ली, एंड लैम्डा इज क्यू बाई एल, एंड दिस इज द ग्राफ फॉर दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. नाउ वी विल डिस्कस द सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक गोज एप्लीकेशन, दैट इज देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल शेल. मीन्स हमने एक स्फेरिकल शेल ले ली जिसका रेडियस है कैपिटल आर विद सेंटर ओ, और इसके ऊपर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया है, दैट इज प्लस क्यू चार्ज. प्लस क्यू चार्ज इस शेल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करवा रखा है जिसका रेडियस आर है. तो इसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है. हम क्या करते हैं, इसके चारों तरफ एक गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लेंगे. कंसीडर ए गॉसियन सरफेस जिसका रेडियस हमने स्मॉल आर मान लिया, और वी कैन से स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर. जो आपने गॉसियन सरफेस कंसीडर की है उसी के ऊपर आपने स्मॉल एलिमेंट्री एरिया लेना है ds. अब यहाँ पे ds लेने के बाद कौन दो चीजें रह जाती है, e और n कैप. अब देखिए कुछ ऐसा लग रहा है कि स्मॉल एलिमेंट्री एरिया यहाँ है, तो n कैप की डायरेक्शन किधर होगी, आउटवर्ड. ये रहा n कैप, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, आउटवर्ड. क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करवा रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड. दोनों एक ही डायरेक्शन में होने की वजह से जो हमारा ये वेक्टर होता है, दिस विल बिकम फाइव डी एस बाहर रह जाएगा और अंदर क्या आ जाएगा, ई. तो इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं. अब हम इसको डायरेक्ट यूज करने वाले हैं, यानी कि हमारा जो पहला केस है उसमें पी पॉइंट आउटसाइड द शेल है, स्फेरिकल शेल के आउटसाइड. तो फर्स्ट पॉइंट में ये कह सकती हूँ कि पी लाइज आउटसाइड द शेल. इसके लिए हम प्रूव करेंगे कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पी पॉइंट के ऊपर फाइंड आउट होने वाला है. तो स्टूडेंट गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि ई डॉट एन कैप डी एस दिस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. ये मैंने आपको बता दी कि कुछ इस तरह से बच जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. डी एस इज स्मॉल एलिमेंट्री एरिया एंड वी हैव टू टेकन टोटल एरिया. डी एस कहाँ पे है, इस सरफेस पे जिसका रेडियस स्मॉल आर है, तो वी कैन से 4 पाई आर स्क्वायर दिस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि 4 पाई आर स्क्वायर इज टोटल सरफेस एरिया. तो ई विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर. ये एक्सप्रेशन आया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का. वेक्टर फॉर्म में अगर आप लिखना चाहेंगे तो दिस विल बिकम क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर एंड आर कैप. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज. जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज ये बताती है कि सारा का सारा चार्ज कहाँ सिचुएटेड हो, सेंटर के ऊपर. तो इस एक्सप्रेशन से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि सारा चार्ज कहाँ स्टोर हो सकता है, सेंटर के ऊपर. अब देखिए ये एक सरफेस है, तो आई कैन टेक हियर सरफेस चार्ज डेंसिटी. जैसे मैंने पीछे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिया था, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती क्या है, किसके लिए लेंगे, इसके लिए. तो देखिए सिग्मा क्या बन जाएगा, चार्ज अपॉन में एरिया, एंड व्हाट विल बी द एरिया, 4 पाई आर स्क्वायर. दिस इज द एरिया ऑफ दिस शेल, क्योंकि आपको इसी के लिए क्या लेना है, सरफेस चार्ज डेंसिटी. तो यहाँ से अगर मुझे क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, तो क्यू विल बी इक्वल टू सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर.
इसको इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, वी आर लेफ्ट विद सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, सो वी आर लेफ्ट विद सिग्मा आर स्क्वायर ओवर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए शेल व्हेन पॉइंट लाइज आउटसाइड द शेल। अब देखिए अगर ये पॉइंट सरफेस पे आ जाए, ये वाला पॉइंट अगर सरफेस पे आ जाए यानी कि यहाँ आ जाए, तो ये हमारा सेकंड केस बन जाएगा। एट द सरफेस अगर पॉइंट आ गया तो सरफेस के ऊपर और आर दोनों क्या नजर आ रहे हैं हमें, इक्वल। अगर और आर दोनों इक्वल नजर आ रहे हैं तो व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट विल बी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ऑन द सरफेस ऑफ द चार्ज्ड स्फेरिकल शेल वैल्यू विल बिकम सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर ये पॉइंट पी पॉइंट सरफेस पे आ जाए तो ये कंसीडर करना है। अगर ये पी पॉइंट इनसाइड द शेल आ जाए, थर्ड केस अगर आपको बनाना है कि पी लाइज इनसाइड द शेल, अगर पी पॉइंट शेल के अंदर आ जाता है थर्ड केस के अंदर, सो वी कैन से कि आर जो है हमारा स्मॉल हो जाएगा किससे, कैपिटल आर से। देखिए ये स्मॉल, ये कैपिटल आर है, ये पूरा स्मॉल आर था, यानी कि पॉइंट पी बाहर लाइन कर रहा था तो ये वैल्यू बड़ी थी। जैसे पॉइंट यहाँ आए तो ये दोनों इक्वल हो गए, और जैसे ही पॉइंट अंदर आया तो स्मॉल आर विल बी लेस देन कैपिटल आर। ऐसे केस के अंदर हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारा जीरो हो जाएगा। क्यों कहेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो जाएगा बिकॉज विद इन द स्फेरिकल शेल, इस शेल के अंदर कोई भी चार्ज लाइन नहीं कर रहा, तो अंदर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगा। क्यों नहीं लाइन कर रहा, क्योंकि ये चार्ज स्फेरिकल शेल है, लाइक ए कंडक्टर यू कैन से। हम जब भी आप किसी कंडक्टर को चार्ज देंगे तो सारा का सारा चार्ज उसकी सरफेस के ऊपर आकर रिजाइड हो जाएगा, उसके अंदर कोई चार्ज आपको नहीं मिलेगा, सो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी जीरो। तो अगर आपको इसके लिए ग्राफ प्रोसीड करना है स्टूडेंट्स, तो कैसे करेंगे देखिए, ग्राफ बनाने के लिए स्पेस निकाल लेते हैं थोड़ा सा। तीनों पॉइंट्स के लिए इकट्ठा ग्राफ, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ये हमारा आर है जिसके लिए हमें ग्राफ प्रोसीड करना है। जो मैक्सिमम वैल्यू आई है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यही आई हमारी मैक्सिमम वैल्यू। और ये कब आई थी, आर और आर दोनों इक्वल हो गए थे, सपोज दिस इज द पॉइंट वेयर आर इक्वल्स टू आर, उससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो, जब तक आर हमारा लेस देन आर रहेगा। और उसके बाद जब आर ग्रेटर देन आर हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस तरह से, जैसे कि ग्राफ पहले आया था, इस तरह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू मिलने वाली है। किस केस में, जब आर हो जाएगा ग्रेटर देन आर, जो कि ये केस हमने यहाँ पर कंसीडर किया था। तो दीज आर द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए स्फेरिकल शेल, जब आपने पॉइंट सरफेस के बाहर लेना है, सरफेस के ऊपर लेना है और सरफेस के अंदर लेना है। Now we will discuss about the third application, electric field intensity due to a non-conducting charged sphere. This is the non-conducting charged sphere here. देखिए sphere और shell के अंदर क्या difference है, कि जो sphere है वो अंदर से क्या रहेगा, solid रहेगा। ठीक है students, आपको पता है कि circle और sphere के अंदर क्या difference है, circle अंदर से empty होता है लेकिन sphere नहीं होता, sphere की कोई ना कोई density जरूर मिलेगी। Clear है, तो ये कुछ applications यहाँ पर हम utilize करेंगे। P lies outside. Similarly, जो first case हमने पीछे discuss किया था, ये मेरी conducting non-conducting sphere है, R radius है, और capital R की हमने Gaussian surface consider कर ली, Gaussian surface के ऊपर small elementary area ले लिया, और पीछे की तरह दोनों की direction ले ली कि ये कुछ ना कुछ ऐसे होने वाला है। तो according to Gauss theorem हम यहाँ तक direct पहुँच जाते हैं, this is equal to Q by epsilon naught, and what is this? 4 pi R square. This is equal to Q by epsilon naught. So E will be equal to Q upon 4 pi epsilon naught R square. Vector form में अगर आप लिखना चाहें तो R cap लगा देंगे और इधर vector लगा देंगे। अगर आपके पास ये solid sphere है तो आप क्या लेंगे यहाँ पर, volume charge density। इस point को आपने अपने mind में store कर लेना है कि किसके लिए हमने surface charge density लेनी है और किसके लिए volume charge density, that is rho Q upon 4 by 3 पाई आर क्यूब, दिस इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो हमने इसके लिए यहाँ पर अप्लाई कर ली है।
So this is the volume charge density rho, which is equal to q upon 4 pi r cube. ठीक है, यहाँ से q की जो वैल्यू आएगी that will be equal to 4 by 3 pi r cube rho. Putting this value of charge here, so E will be equal to 4 by 3 pi r cube rho divided by 4 pi epsilon node r square. So we will get from here 4 pi cancel out, r cube rho over 3 epsilon node r square. This is the value of electric field intensity if a point P lies outside the sphere. For the first portion you can write till here. If r equals to r, अगर हम इस पॉइंट को सरफेस पे ले, जैसे कि हमने सेकंड केस वहां भी किया था, अगर r और r दोनों इक्वल हो जाते हैं तो स्टूडेंट्स e की वैल्यू क्या होगी? r स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा. अगर r और r दोनों इक्वल हो जाए तो यू कैन राइट हियर r rho over 3 epsilon node. यू कैन से कि दिस विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ दिस चार्ज स्फीयर. अब हमने क्या करना है, यहां तक पॉइंट को कंसीडर कर लिया, यहां ले आए, अब इस पॉइंट को इसके अंदर लेकर जाना है. देखिए, जब हम इस पॉइंट को इसके अंदर लेकर जाएंगे तो पिछले केस में हमने कहा था कि अंदर कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. लेकिन यहां पर ऐसा होने वाला नहीं है बिकॉज दिस इज ए चार्ज स्फीयर, तो इसके अंदर चार्ज है तो इसके अंदर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेशक हमें मिलने वाली है. तो देखिए हम उसको कैसे सोल्व करेंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन साइड द स्फीयर नाउ द पॉइंट कम इन साइड द चार्ज स्फीयर. तो ये जो स्फीयर हमने आर रेडियस का माना था ये वही है, उसके अंदर हम पॉइंट पी को लेकर गए हैं. जो अंदर का हमारा स्फीयर है उसका रेडियस स्मॉल आर है, दैट इज हियर लेस देन आर. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी गॉसियन सरफेस को जो हमने अंदर कंस्ट्रक्ट किए हैं उसी के ऊपर आपने ये डीएस एलिमेंट कंसीडर किया. डीएस एलिमेंट लेने के बाद हमें एन और ई कैप को पॉइंट आउट करवाना होता है. ये हो गया, बोथ आर लाइंग एट द सेम डायरेक्शन, सो ई डॉट एन कैप कैन बी रिटन एज ई हियर एंड द इंटीग्रेशन विल बी ओवर डीएस. व्हाट विल बी द इंटीग्रेशन? 4 पाई आर स्क्वायर. तो ई विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर. नाउ क्यों को आप यहाँ क्यों डैश माने हुए हैं, हमने मान लिया कि अंदर जो चार्ज सिचुएटेड है दैट इज क्यों डैश है. ठीक है, तो अब यहाँ से आपको फिर से वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लेनी होगी, दैट इज रो एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी विल बी इक्वल टू चार्ज दैट इज क्यों डैश ओवर 4 बाय 3 पाई आर क्यूब. और वी कैन से क्यों डैश विल बी इक्वल टू रो इनटू में 4 बाय 3 पाई आर क्यूब. पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, तो E will be equal to rho into 4 by 3 pi r cube over 4 pi epsilon node r square. So we can say E will be equal to rho by 3 r by epsilon node. This is the value inside the charged spherical shell, rho by 3 and r by epsilon node. This is the value when charge is point P lies inside the spherical shell. उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इस point से center पर भी आ सकते हैं. अगर आप अब center पे आए, क्योंकि वहां तो हमारा तीसरे केस में electric field intensity zero हो गया था लेकिन यहाँ पर नहीं हुआ. अगर हम अब center की तरफ भी जाकर देखें तो center के ऊपर electric field intensity zero होगी. और ऐसा इसलिए नहीं कि वहां पे charge zero है, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि वहां पर r की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, जीरो. तो अगर आप इस इक्वेशन के अंदर r को जीरो पुट करेंगे तो जो e हमारा निकल कर आया है rho r by 3 epsilon node, this will be equal to zero at the center of the charged sphere. तो अगर इस क्वेश्चन के लिए हमें फिर ग्राफ ड्रॉ करना पड़े तो ग्राफ विल बी लाइक दिस हियर. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड r, एक मैक्सिमम वैल्यू जो हमारे पास निकल कर आई है rho r by 3 epsilon node, जो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास आई थी उसके लिए ग्राफ, ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू है. ये ग्राफ जाएगा ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर चल रहा है, जिसके लिए एक केस हमारे पास है कि ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर है. मैक्सिमम वैल्यू होती है आर इक्वल टू आर के लिए, और यहाँ पर जब वो इनवर्स चल रहा है तो ये ग्राफ आ जाएगा ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. सो दिस इज द रिजल्ट फॉर different type of expressions. R equal to 0 here,
less than r, equal to r, and greater than r. So this is the graph that is showing the electric field intensity, जो ये directly proportional चल रहा है r के लिए, उसके लिए graph ये है. R equal to r, जहाँ पर भी आपने value put करी थी, शायद मैंने वो rub कर दिया, उसके लिए जो graph आएगा वो ये है, और जब decreasing हो जाएगा तो graph ये है. So this is the expression for electric field intensity due to a solid charge sphere. Now we will discuss electric field intensity due to a thin infinite sheet of charge. अब ये sheet है, thin sheet है बिल्कुल, जिसके ऊपर positive charge को distribute किया गया है, uniformly distribution है positive charge की. इसके कारण हमें electric field intensity find out करनी है. तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक closed surface जो कि Gaussian surface है उसको consider करना पड़ेगा. तो this is the closed Gaussian surface here. इस तरह से हमने कंसीडर कर लिया. आप इसको ये मान सकते हैं कि जैसे इस मार्कर के अंदर मैंने कोई पेज खड़ा कर रखा हो, या कोई पेज ऐसे लेकर, कोई शीट पेपर लेकर उसके अंदर से मैंने ऐसे मार्कर निकाल रखा हो, मतलब ये जो आपने एक टाइप से रोड लगाई है ये आगे पीछे मूव कर सकती है. नाउ वी हैव टू कंस्ट्रक्ट दिस स्मॉल एलिमेंट्री एरिया, और फिर वही दिखाना है कि किसकी डायरेक्शन किधर जा रही है. अगर आप एंड पॉइंट की बात करें तो ई और एन के दोनों इसी तरह से पॉइंट आउट करेंगे, जैसे कि मैंने आपको भी बताया था. इसी तरह इस क्रॉस सेक्शन पे E और N कैप दोनों इधर पॉइंट आउट करेंगे. इसका मतलब ये दोनों एंड पॉइंट हमें कंट्रीब्यूशन देने वाले हैं. इसके इस पॉइंट पे अगर आप देखें, अगर स्मॉल एलिमेंट एरिया कंसीडर करें या फिर यहाँ कंसीडर करें, तो देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और N कैप कैसे रहने वाले हैं. देखिए, अगर ये स्मॉल एलिमेंट एरिया मैंने यहाँ लिया हुआ है तो इसके नॉर्मल ऐसे आएगा N कैप, तो यहाँ मेरा क्या है N कैप. जबकि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर होगी, आउटवर्ड. अगर मैंने ये यहाँ कंसीडर किया हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी आउटवर्ड, और एन कैप क्या रहेगा यहाँ पे इसके नॉर्मल. आप ये बात समझ सकते हैं. तो आप कह सकते हैं कि इस पूरी सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो रहेगी, क्योंकि ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं, और ये जो दोनों एंड पॉइंट्स हैं ये कंट्रीब्यूशन देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बनाने के लिए. ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले मैं कहती हूँ कि यहाँ पर सिग्मा क्या होगा. सिग्मा विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन डीएस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सरफेस निकालनी है, तो सिग्मा विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन डीएस. अब यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू एज इज, वी कैन से इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें जो मिलेगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ड्यू टू एज इज. और आपके पास यहाँ कितने एज इज आपको नजर आ रहे हैं, टू एज इज. तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जो निकालेंगे वो दोनों एजेस की वजह से हमें मिलेगी. तो वी कैन राइट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू टू ई डी एस. क्लियर है. ई मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ई और एन कैप के बीच में एंगल जीरो हो चुका है एंड कोस जीरो इज वन. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों के लिए क्या हो जाएगी, टू ई डी एस. आप ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी समेशन ऑफ कॉर्नर्स, जितना भी कॉर्नर के ऊपर चार्ज पार्टिकल होंगे, जितनी भी फील्ड इंटेंसिटी होगी, तो दिस इज इक्वल टू ई डी एस. तो देखिए स्टूडेंट, टू ई डी एस यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ चुकी है. और गॉस लॉ क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती किसके इक्वल है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के. ठीक है, तो यहाँ से ई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी क्यू बाय टू एप्सिलॉन नॉट इनटू में डी एस. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट इज इक्वल टू क्यू बाय टू एप्सिलॉन नॉट इनटू में डी एस. एंड व्हाट इज क्यू, क्या वो हमने वहां से फाइंड आउट किया है, सिग्मा डी एस. ई डी एस अगर आप यही रख लेंगे, दिस इज ई डी एस एंड दिस इज इक्वल टू क्यू बाय टू एप्सिलॉन नॉट, व्हाट इज क्यू, दिस इज इक्वल टू सिग्मा डी एस बाय टू एप्सिलॉन नॉट. सो वी कैन से ई इज इक्वल टू सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट. दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए थिन शीट ऑफ चार्ज, जिसके ऊपर आपने पॉजिटिव चार्ज को कंटिन्यूअसली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, कि एंड पॉइंट के ऊपर यानी एजेस के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगी. दो एजेस हैं, समेशन करके हमने 2 ई डी एस यहाँ पर लिख दिया और आपके पास वैल्यू आई है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन शीट ऑफ चार्ज. नाउ वी विल फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू पैरेलल थिन शीट्स ऑफ चार्ज. अभी हमने दो पैरेलल थिन शीट्स ले ली हैं, इनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है. तो मैंने यहाँ पर तीन पॉइंट कंसीडर कर लिए हैं, इन तीनों के ऊपर हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन दोनों शीट्स की वजह से. सपोज सिग्मा वन इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है और सिग्मा टू इसकी है, और ये क्लियर है कि सिग्मा वन एंड सिग्मा टू
बोथ आर ग्रेटर देन जीरो, दोनों की वैल्यू क्या रहने वाली है, पॉजिटिव रहने वाली है। आप देखिए पहले आप इस पॉइंट पे आ जाइए, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इस शेप की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो किधर होगी, आउटवर्ड। उसकी वजह से भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखेंगे तो आउटवर्ड, यानी कि P पॉइंट के ऊपर दोनों शीट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटवर्ड होगी। दिस कैन बी E1 एंड दिस कैन बी E2। सिमिलरली अगर मैं R पॉइंट पे बात करूं, इस शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर की तरफ और उसकी वजह से भी बाहर की तरफ ऐसे मिलने वाली है। सेंट्रल पॉइंट पे अगर इस शीट को देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर की तरफ E1 और इसके लिए इधर E2। क्लियर है? सो वी कैन से इफ E1 इज सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एंड E2 इज सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये वैल्यू कहां से आई है, ये अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए थिन शीट ऑफ चार्ज निकाली है। तो चलते हैं P पॉइंट के लिए, एट पॉइंट P, P पॉइंट के लिए बोथ आर लाइंग अलोंग नेगेटिव x एक्सिस, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी E1 प्लस E2 बट माइनस साइन, और वी कैन से दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नोट एंड प्लस ऑफ सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नोट। इस तरह से वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस इसलिए लगाया दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। एट पॉइंट आर की अगर मैं बात करूं, दिस विल बी इक्वल टू E1 प्लस E2, और वी कैन से सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नोट प्लस सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नोट। एट पॉइंट क्यू, E1 इज पॉइंटिंग अलोंग x एक्सिस एंड E2 अलोंग माइनस x एक्सिस, सो E1 माइनस E2 वी विल गेट, और वी कैन से सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन एंड माइनस सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नोट। ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज की वैल्यू मिलने वाले हैं। अब अगर आप इसके लिए एक स्पेशल केस करें कि इफ सिग्मा 1 इक्वल्स टू सिग्मा एंड सिग्मा 2 इक्वल्स टू माइनस सिग्मा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन कि अगर आपको सिग्मा 1 सिग्मा लिखना हो और सिग्मा 1 को माइनस सिग्मा लिखना हो सिग्मा 2 को, तो देखिए कौन कौन जीरो होने वाला है। एट पॉइंट पी की बात करेंगे, जैसे ये सिग्मा होगा और ये माइनस सिग्मा होगा, मैं यही पे सिचुएशन को चेंज कर रही हूँ, पुट दिस सिग्मा और इसको आपने करना है माइनस सिग्मा, तो ये रिलेशन यहीं पे खत्म हो जाता है, रिजल्ट आपके पास जीरो बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए ये सिग्मा हो गया और इसको हमने माइनस सिग्मा कर दिया, सिमिलरली ये रिलेशन भी क्या हो जाएगा, जीरो। अगर यहाँ की बात करें इसको सिग्मा और इसको माइनस सिग्मा करते हैं तो ये वैल्यू प्लस हो जाएगी एंड यू विल गेट टू सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नोट दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये वैल्यू कॉन्स्टेंट है क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है किसी भी डिस्टेंस से, डिपेंड नहीं करता कि कितनी डिस्टेंस पे आपका पॉइंट आपने कंसीडर किया हुआ है, यानी कि अगर आपके पास एक शीट ऐसे है और किसी पॉइंट के ऊपर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू राइट डाउन करनी है तो यू कैन राइट इजीली सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट। वो वैल्यू जो हमने पीछे निकाली थी दैट वाज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नोट, वो एक थिन शीट की वजह से थी। अगर आपके पास ज्यादा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, कोई थिकनेस दी हुई है, तो आपने वैल्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट कंसीडर कर लेनी है। सो स्टूडेंट, दिस इज द ऑल अबाउट एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, ये उसकी सारी एप्लीकेशन है। इसके अंदर कम से कम हर बार पेपर के अंदर एक एप्लीकेशन जरूर आपसे पूछी जाती है, 3 मार्क का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से प्रिपेयर हो जाता है कि गॉस लॉ क्या है और उसके बारे में कोई भी एप्लीकेशन आपसे पूछ ली जाएगी। तो ये था आज का टॉपिक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन के साथ, दैट विल बी करंट इलेक्ट्रिसिटी। उससे पहले आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे फोकस करना है। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कॉल मी, यू कैन राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स, और आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स इन ईच एंड एवरी रिस्पेक्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।